अबे तो क्या करूं, नहीं चली बड़े में छोटे में बच्चे की जान लोगे? नहीं चल रही फिल्में तो नहीं चल रही, कोई बात नहीं, मरा थोड़ी हूं, अपने तो 130 करोड़ अंदर आ गए ना। और ये जो लोग हैं ना जो मेरी फिल्म नहीं देख रहे हैं, तुम देखना, अभी बड़े में छोटे में 2 बनाऊंगा और इनकी तो करके छोड़ूंगा। सर एक मिनट। हाँ बोल मैनेजर, क्या हुआ? 2-3 स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, तो आप एक बार, आपके पास टाइम हो तो सुन लो। हाँ सुना, फटाफट सुना। तो जो पहली स्क्रिप्ट है खेल खेल में। अरे खेल 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 में तो मैं फिल्में वैसे ही कर रहा हूँ, 20-20 दिन में खत्म कर देता हूँ मैं फिल्में, मेरा करियर ना खत्म हो जाए। अक्की सर आप समझ नहीं रहे, ये फिल्म का नाम है खेल खेल में। अच्छा फिल्म का नाम है, हाँ तो क्या है बेटा उसमें? तो इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना। वो तो मैं किसी भी फिल्म में कुछ नहीं करता बेटा, आता हूँ सेट पे, जेब में हाथ डालता हूँ, खाना खाता हूँ और चला जाता हूँ। तो सर इसमें आपको एक्चुअली थोड़ा सा लुक चेंज करने पड़ेगा फिर, है ना? ओ डैम इट, मेहनत करनी पड़ेगी। 110 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इसके लिए। कहाँ है बेटा, कब साइन करनी है फिल्म? अभी साइन करा के ले जा। तो मैं भी बात कर लेता हूँ। खत्म कर, बच्चे की जान ले ले। आप तब तक बात करो जिससे भी बात। मैं काम करता हूँ, मैं तब तक ट्विंकल को बताकर आता हूँ कि मैं रवीना के साथ हूँ। बिल्कुल। हेलो शाहरुख सर, सलमान सर को कॉन्फ्रेंस में ले लो ना, काम हो गया, इनका करियर अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता, सारी मूवी ऐसी फ्लॉप दूंगा ना मैं इनको। थैंक यू सर। अभी कार्तिक आर्यन को फोन लगाता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने गंदी मिमिक्री करी अक्षय कुमार की, तो भैया जितनी मेहनत वो अपनी फिल्मों पे कर रहा है उतनी ही मैंने उसकी मिमिक्री में करी है, तो कोई गलत बात नहीं कहेगा मेरे बारे में। लोग अगर उसकी मूवी देख लेते हैं तो तेरा ये वीडियो भी देख लेंगे, तेरी मिमिक्री भी सुन लेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो क्या मतलब, पर हाँ उतनी उससे तो ज्यादा ही चल रही है अक्षय कुमार की फिल्में भी चल रही है। 15 अगस्त होने वाला था मेगा मेगा क्लैश। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो अपनी फिल्म नहीं ला रही है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली सब, और साथ में आ रही है हिंदी की 3 बड़ी फिल्में। हम बात करने वाले हैं, 3 in 3 आ रही है, तेरे को पता है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, तो 3 बड़ी हिंदी फिल्में आ रही है। सबसे पहली है जो इस साल की मेरे हिसाब से बनाऊ तो बिगेस्ट फिल्म है, जिसका नाम है स्त्री 2। बिल्कुल, 2018 में हमने जिस स्त्री को बोला था वो स्त्री कल आना, वो कल परसों आने वाला है। भाई साहब क्या बात है सर, क्या ताली बजाओ यार, ताली बजाओ सर के लिए। पैर कहाँ हैं सर आपके, उनको खुद छू लो। ये रिएक्शन अक्षय कुमार की फिल्मों के लिए चाहिए भाई साहब, ऑडियंस का मर रहा है इस रिएक्शन के लिए, पता है, तालियों के लिए। सर तुम यार कुछ भी होता है अक्षय कुमार को बीच में ले आते हो। खैर तो बड़े आराम से, ये नहीं रुक रहा भाई, अक्षय कुमार प्रिय है इसका, फैन है इतना तो अक्षय कुमार के बच्चे खुद नहीं अक्षय कुमार के फैन। खैर काफी बात कर ली अक्षय कुमार पे, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो स्त्री 2 आ रही है और बहुत अच्छा ट्रेलर लगा मुझे स्त्री 2 का। VFX लेवल पे ठीक है, कहीं जगह थोड़ी सी गुंजाइश लगती है, बट कॉमेडी लैंड हो रही है, गाने बढ़िया लग रहा है। तमन्ना वाला गाना देखा तूने? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रही है तमन्ना भाटिया बहुत टाइम के बाद। अब क्यों ना बोले लोग मुझे सिंप, क्यों ना कहें कि आदमी एक नंबर का सिंप है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि श्रद्धा कपूर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और आई मीन श्रद्धा कपूर क्या खूबसूरत लग रही है, तो कहने वाली बात है, तमन्ना भाटिया ज्यादा सुंदर। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जो फर्स्ट स्त्री आई थी, हाँ। वो भी मैं सिर्फ इसलिए देखने गया था क्योंकि उसमें श्रद्धा कपूर थी, क्योंकि आशिकी 2 के बाद में मैं तो भाई, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला था कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था, मैं इस वजह से देखने गया था। और एक्चुअली फिल्म बहुत बढ़िया थी, बहुत फनी भी थी, हॉरर भी अच्छा था, हर चीज लैंड हुई थी। और उस वक्त उस फिल्म ने 125 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ा था। माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी, माउथ पब्लिसिटी पे ही चली थी। उस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड जो था वो 32 करोड़ का था, और जिस हिसाब से ये स्त्री 2 का एडवांस बुकिंग चल रही है, ये फिल्म शायद 32 करोड़ तो अपने पहले दिन पे क्रॉस कर जाएगी। अग्री, फर्स्ट फिल्म जहां पे एंड हुई थी ये वहीं से शायद स्टार्ट होगी और उस हाइप को और बड़ा कर देगी। और स्त्री 3 तो फिर भाई, क्योंकि अब वो यूनिवर्स भी तो हो गया ना, भेड़िया भी आ गया है इसमें, इसमें मुंजिया भी आ गया है, सब लोग आ गए हैं, और वरुण धवन का कह रहे केमियो भी है। हाँ, तो अपने आप बड़ी हो सकती है फिल्म। वरुण धवन का भी गाना, हाँ एक गाना भी रिलीज हुआ रिसेंटली वरुण धवन का। तो अपने आप में काफी बड़ी फिल्म है, अच्छा एडवांस ले रही है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 35 करोड़ से भी ऊपर की सिर्फ ओपनिंग ले दे, तो ये बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर है इस साल की। 200-250 करोड़ तो होते दिख रहे हैं मेरे को क्लियरली। तो बाकी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं सर आप? बाकी फिल्मों का सर उतनी बात करेंगे इस वीडियो में जितना उनकी जनता बात कर रही है। भाई लग ही नहीं रहा कोई क्लैश है, लग ही नहीं रहा है कोई क्लैश हो रहा है हिंदी में। वन वे रोड है भैया स्त्री 2 के लिए, दूसरी फिल्म भेजा। Okay. नाम सुना इस पिक्चर का? मैंने इस मूवी का नाम सुना मेरे जिम ट्रेनर के, ये सटल इसने वो डाला है कि भैया ये जिम जाता है, ये सिर्फ इसलिए बोला है इसने, वरना कोई जरूरत नहीं थी बताने की। अरे यार बाकी आप तो देख के समझ ही सकते हैं जिम तो जाता ही होगा। कब पागल है क्या था?
अरे पता है मैंने कि मसल मास तेरे अंदर बहुत है। इट्स फाइन, वेदा की बात कर। हाँ, तो चश्मा ला दो ना मेरी, वरना आंखें छूटी हैं। हाँ हाँ, तो वेदा में बेसिकली एक्शन तो वर्क कर रहा है, ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया है। ड्रामा के ऊपर है फिल्म का कि ड्रामा कितना ग्रिपिंग होगा, वरना एक्शन तो फिल्म में वर्क कर रहा है। जॉन अब्राहम की वो जो पर्सनालिटी है ना, जो निकल के आती है जैसे रॉकी हैंडसम फोर्स, वो वाली लग रही है, वो विंटेज जॉन अब्राहम दिख रहा है। तो आई होप ऐसा ही फिल्म में भी हो। और सर्वर अभी अभी मुंजिया की इतनी बड़ी सक्सेस देख कर आएंगे, आई होप कि ये सक्सेस भी वापस से वो देखें, है ना। आई होप, हां आई होप यार, वी ऑल होप यार। क्या हो गया यार, ज़्यादा बात करने वाला है वेदा के बारे में? नहीं बस ठीक है, मेरे को अगर अच्छी निकल जाती है तो शायद ही 50 करोड़ कर ले, बाकी स्त्री 2 के सामने तो वही किसी का भी इस वक्त टिकना बहुत मुश्किल है। इस मूवी को ये मूवी खुद ही बचा सकती है, क्योंकि इसका पब्लिसिटी हाँ। कुछ भी नहीं होगा, माउथ पब्लिसिटी जो होगा मूवी देखने के बाद। अगर ये जनता को पसंद आती है तो ये फिल्म चलेगी, नहीं आती है तो ये 3 दिन में उतर जाएगी, वो वाली पिक्चर है। सो जो अगली फिल्म है वो एक अक्षय कुमार फिल्म, फिल्म का नाम है खेल खेल में। चलिए अब आपको बताता हूँ जो साउथ में फिल्म रिलीज हो रही है। एक है थंगलन, जो कि एक तमिल फिल्म है, फिर तेलुगु में मिस्टर क्या हुआ, खेल खेल में निकल ही गया तू भाई, बात तो कर। अब जब जनता ही बात नहीं करी तो हम क्यों करें भाई। ये कुछ पावर्स हैं जो अक्षय कुमार को पीछे ढकेल रही है, समझ रहे कुछ पावर्स नहीं है, अक्षय कुमार की खुद की हरकतें हैं। 20-20 दिन में फिल्म निपटा रहा है, मुंह उगा नहीं पाता है। वो सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म में जाके बोल रहा है 20 दिन में मैंने फिल्म कर दी, ये बहुत बड़ी बात है, शर्म ही नहीं आ रही उस आदमी को। और अब तो फिल्म का नाम ही है खेल खेल में, तो सोच उसने क्या ही मचाया होगा। पता ही नहीं यार, लेकिन बात तो कर। ठीक है, अब तू कह रहा है टिकट्स बिक रही हैं इनकी। अब खेल खेल में क्या एक्चुअली टिकट बहुत कम बिके हैं, खेल खेल में वेदा से कम टिकट बेच रही है इस वक्त, मैं बता रहा हूँ। जॉन अब्राहम से कम चल रहा है अक्षय कुमार, मैं तुम्हें साफ बात, ये आज हम शूट कर रहे हैं ऑन दी 13th of August। तो सीन ऐसा है कि 2.5 लाख से ज्यादा टिकट बेच चुकी स्त्री 2। नाइस, 7,000 करीब टिकट बेचे हैं वेदा ने। ओके, और 1,000 टिकट भी अभी तक नहीं बेच पाए खेल खेल में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सोहेल खान भी इस वक्त अपनी पिक्चर लेकर आ जाए ना, तो वो भी अक्षय कुमार से ज्यादा बड़ी ले जाएगा ओपनिंग। क्या कर लिया अक्षय कुमार ने। खैर, अगर अक्षय कुमार पे पूरा एक ओपिनियन पीस चाहिए कि अक्षय कुमार के करियर का क्या हुआ है, हाँ यार हमें बात करनी चाहिए बिल्कुल, तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना इस बारे में, हम बिल्कुल बनाना चाहेंगे। मैं बात करना चाहूंगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, खेल खेल में का ट्रेलर तो मेरे को बहुत ही वीक सा लगा है, कुछ भी है नहीं, बहुत ही फोर्स कॉमेडी है, और एक ऐसी फिल्म का रीमेक है जो ऑलरेडी 20 बार रीमेक हो चुकी है, तो आई डोंट नो उन्होंने क्या किया होगा। मुझे वैसे पता है कि स्टोरी क्या है, मैंने ओरिजिनल इटालियन फिल्म देख रखी है, स्टोरी ठीक ठाक है, कोई वैसे बहुत अच्छी नहीं है। इट्स अ वन टाइम वॉच काइंड अफेयर, अगर वो भी अच्छी बनी होगी तो, जो कि मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। ग्रीन स्क्रीन पर इन्होंने पूरी पिक्चर शूट कर रखी है, जैसे हम करते हैं ना, ये देखो, बट हम फिर भी मेहनत करते हैं यार। अब ये देखो, ऐसे ही पूरी पिक्चर शूट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम। हाँ, हम तो कर रहे हैं, अक्षय कुमार नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उनकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उन्होंने इन मूवीज के साथ अपनी मूवी रिलीज कर ली, वही बहुत बड़ी हिम्मत। और सबसे बड़ी हिम्मत की वो फिर से परदीन खान को लिया है। परदीन खान को उन्होंने बोला, चल मैं क्यों फिल्म में सबसे गंदा एक्टर बनूं, तू भी तो बन। तो परदीन खान ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा उन्होंने साबित किया वो बहुत गंदे बहुत खराब एक्टर है। परदीन खान फिर वही करके दिखाएंगे, मुझे ज्यादा उम्मीद है परदीन खान का। इसके अलावा जो हो रही है, जो जैसा कि मैंने बताया, तमिल की बहुत बड़ी फिल्म है थंगलन चियान विक्रम की, तेलुगु में अजय देवगन की रेड का रीमेक रिलीज हो रही है मिस्टर बच्चन। nice. जिसका ट्रेलर बहुत बुरा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस पिक्चर से। तीसरी फिल्म जो अगेन बहुत ही क्रिंज फेस्ट होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है, एक फिल्म आई थी स्मार्ट शंकर, उसका सीक्वल आ रहा है डबल स्मार्ट शंकर। ओके, वो भी एक तेलुगु फिल्म है, उसका मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी और भी काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, बट ये मेजर मेजर फिल्में जो हमने आपके साथ शेयर करी। आप पहले कौन सी फिल्म देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल, किस मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं उसके बारे में हमें बताएं, और कौन सी मूवी देख के आप अपना 15 अगस्त बिताने वाले हैं ये भी हमें बताएं। और हमारा अगर हम लाइनअप की बात करें तो एक के बाद एक वीडियो आने वाले हैं, फिल्म के व्लॉग आने वाले हैं, ऑडियंस रिएक्शन आने वाले हैं, हमें एक इंपॉर्टेंट पीस तैयार कर रहे हैं ओलंपिक्स पे, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो करना लाइक, और हमारे मेहनत को और प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से, शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। पंद्रह अगस्त परेड आती है, अरे देशभक्त, अरे सच्चे देशभक्त, कट कर दे।